हम आज की वीडियो में बात करने वाले टिकटॉक पे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्लो मोशन वीडियो शूट किया जाता है वो आईफोन से शूट किया जाता है। यदि आपके पास आईफोन नहीं है तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर बताता हूँ स्लो मोशन वीडियो को आपको कैसे शूट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च कर लेना है आपको फोटेज कैमरा। इसके बाद फोटेज कैमरा को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है, तो जैसे स्लो मोशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद नॉर्मल वीडियो शूट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, यदि फ़ोटो क्लिक करना है तो यहाँ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कुछ सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, इसके बाद बैक कैमरा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HD 720p सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। फ्रंट पर कैमरा पे इसका क्लिक करना है, यहाँ पे आपको HD 720p सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे वीडियो के लिए सबसे बेहतरीन HD 720p होता है। इसके बाद बैक कैमरा पे आना है, यहाँ पे क्वालिटी को आपको हाई कर देना है। इसके बाद सिंपल आपको फिर से हमें आते हैं फ्रंट कैमरा में, यहाँ पर अभी आपको क्वालिटी हाई कर देना है। इसके बाद आइडियो सोर्स में आपको यदि माइक्रोफोन आइडियो सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद सिंपल आपको स्लो मोशन पे आना है और यहाँ से आपको वीडियो शूट कर लेना है। तो सिंपल मैं आपको एक बार वीडियो क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा शूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट टिकटॉक पे स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं। जो स्लो मोशन वीडियो शूट होता है तो सिर्फ आईफोन से ही शूट किया जाता है, लेकिन आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी आप डायरेक्ट स्लो मो वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देना है, तो हमारा वीडियो जो है शूट हो चुका है। इस वीडियो को अगर एडिट करना है, स्लो मोशन फास्ट मोशन करना है, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट काइनमास्टर एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।